और हमारे 15 सालों में जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई थी उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, बहुत लागू कर रहे हैं। एक संबल योजना है हमारी जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी हद तक उनको लाभ मिलता है, वो योजना हमने फिर से चालू कर दी है और भी आगे हम देखिए आगरमालवा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैंडिडेट घोषित किया है उसके बाद जनता और हमारे चारों कार्यकर्ताओं में चारों ओर उत्साह है और जिस तरह से जनता का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ रिकॉर्ड कायम करेगी। और हमारे 15 सालों में जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई थी उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और 15 महीनों की जो कमलनाथ की सरकार थी उनकी जो नाकामियाँ असफलताएँ रही हैं जो कि झूठे वादे थे उनके चार चरित्र और चेहरे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारे आगरमालवा के जो विकास के मुद्दे हैं जैसे रोजगार लाना ट्राफिक का जो है हमने काफ़ी शिवराज सिंह जी ने घोषणा की है कि आगर और सुशहर में हम औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, आधुनिक कर सकते हैं, यही सब मुद्दे हैं। महिलाओं के क्षेत्र में क्या कुछ आपकी कोशिश होगी करने की, महिलाओं के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य करेंगे? देखिए महिलाओं के क्षेत्र महिलाओं के इसमें हम एक यहाँ विद्यालय लेकर आ रहे हैं महिलाओं के लिए और दूसरी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जैसे कि लाडली लक्ष्मी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी उनके कमलनाथ के 15 महीनों के शासनकाल में एक भी शादी नहीं हुआ और 51,000 में जो वादा किया था उन्होंने वो भी नहीं मिला तो हम उस योजना को वापस लागू कर रहे हैं। एक संबल योजना है हमारी जिसमें महिलाओं के लिए काफ़ी हद तक उनको लाभ मिलता है, वो योजना हमने फिर से चालू कर दी है और भी आगे हम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आपके पिताजी मनोहर जी जिस तरह से यहाँ की जनता के लिए कार्य किए हैं उन्हीं की राह पर किस प्रकार से चल के आप एक अच्छे नेता के रूप में यहाँ की जनता के लिए एक लोकप्रिय नेता बने? देखिए मेरे पिताजी का 2013 में आगरमालवा से वास्ता पड़ा था, पहली बार यहाँ की जनता ने मुझे खूब समर्थन देकर उनको 30,000 वोटों से विजयी किया और लोकसभा में भी वो 3,00,000 वोटों से विजयी हुआ तो उनका जो मार्गदर्शन का उसी में मैं काम कर रहा हूँ, वो हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता के हितकारी काम किया करते थे। यहाँ रेलवे प्रोजेक्ट भी उन्होंने लोकसभा में उठाया था, 4 लेन जैसे मुद्दों के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। पिछले वर्ष जब सोयाबीन की फसल खराब हुई थी आदरणीय तात्कालिक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने बड़ों को बुलाकर कार्यक्रम किया और सभी को मुआवजा दिला। अभी जब विपक्ष में थे वो लोग कमलनाथ की सरकार में जब आगर में अतिक्रमण के नाम पर मकान तोड़े जा रहे थे तब भी वो उसमें पूरी सहभागिता करी और उन्होंने उस काम को रोकने की कोशिश की, हालांकि कांग्रेस के सारे मकान ध्वस्त कर दिया था। मैं अपने आप को डालना चाहता हूँ और जनता की सेवा के लिए समर्पित। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।